हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। कंगना की फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और नवाजुद्दीन की फिल्म ठाकरे को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 5 दिन पूरे हो चुके हैं। दोनों ही फिल्में लगातार एक दूसरे से आगे निकलने में लगी हुई है। फिल्म के रिलीज से पहले मणिकर्णिका और ठाकरे की टक्कर को लेकर हर कोई बात कर रहा था कि आखिर बॉक्स ऑफिस पर किस फिल्म की जीत होगी। तो अब लीजिए, आपका इंतजार खत्म हो गया है। चलिए बताते हैं आपको कि कमाई के मामले में कंगना और नवाज में से किसकी जीत हुई है। बता दें कि मणिकर्णिका ने 5वें दिन 4,75,00,000 की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म ने अब तक 52,40,00,000 की कमाई कर ली है। वहीं ठाकरे ने अब तक 26 करोड़ की कमाई कर ली है। इस हिसाब से देखा जाए तो कंगना की फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी नवाजुद्दीन की फिल्म ठाकरे से कमाई के मामले में काफी ज्यादा आगे निकल गई है। बता दें कि दोनों ही फिल्मों को क्रिटिक्स की तरफ से बेहद ही शानदार रिस्पॉन्स मिला है। साथ ही दर्शकों ने भी दोनों ही फिल्मों की जमकर तारीफ की है। बात करें दोनों ही फिल्मों के बजट की, तो जहां कंगना की फिल्म का बजट लगभग 125 करोड़ बताया जा रहा है, वहीं ठाकरे का बजट लगभग 35 करोड़ है। ट्रेड एक्सपर्ट्स की माने तो दोनों ही फिल्में आने वाले दिनों में भी कमाई के आंकड़े दर्ज कराने में कामयाब हो सकती है। वैसे अगर आपने मणिकर्णिका और ठाकरे देख ली है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सी फिल्म ज्यादा अच्छी लगी।